नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में जोश के साथ की जा रही हैं। इसके साथ ही पूरा विश्व इसको लेकर एक्साइटेड दिख रहा है। वर्ष 2015 के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व भर में 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे। विश्व योग दिवस का जोश पूरे विश्व भर के लोगों में देखा गया है। इसका छोटा सा उदाहरण फ्रांस में भी देखा गया। हाल ही में पेरिस के एक पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जो कि इस शहर का सबसे बड़ा शहरी सांस्कृतिक उद्यान है। इसमें जारी बयान के मुताबिक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा ये बयान किया गया है। यहाँ जारी एक बयान के मुताबिक स्वस्थ जीवन शैली और योगा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको स्वीकार भी किया गया। योग को लेकर लोगों में इसका क्रेज साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस मौके पर सभी आयु वर्ग के लोगों ने इस योगाभ्यास में लगभग 2000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 19 जून को राजपथ पर योग अभ्यास के शिविर में आचार्य बाल कृष्ण और बाबा रामदेव के द्वारा योगाभ्यास कराया गया। इस योगाभ्यास में करीब 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कई जानी मानी हस्तियां जैसे मीनाक्षी लेखी, बाबू सुप्रियो, मनोज तिवारी, कैलाश खेर और करीब 66 साल के शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने भी इसमें हिस्सा लिया। भारत के साथ ही अरब के देशों में भी योग को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है। भारत की भूमि से स्वस्थ जीवन शैली को लेकर और इसकी आवश्यकता का संदेश पूरे विश्व भर में फैल रहा है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।